सुंदरवन जंगल में तीन दोस्त टुक टुक चिड़िया, चीकू चिड़िया और चुनचुन बाज रहा करते थे। तीनों दोस्त बहुत ही खुश रहा करते थे। चीकू चिड़िया बाहर के सारे काम किया करता था, टुक टुक चिड़िया घर के सारे काम किया करता था और चुनचुन बाज का काम खाने का इंतजाम करने का होता था, क्योंकि जंगल के सारे रास्तों का ज्ञान चुनचुन बाज को ही था। मुझे तो बहुत भूख लगी है चुनचुन भैया, भोजन का इंतजाम कब करेंगे आप? टुक टुक चिड़िया, तुम थोड़ा सा इंतजार कर लो, मैं बस अभी गया और भोजन लेकर अभी आया। इसके बाद चुनचुन जंगल में खाने की तलाश में चला गया। चुनचुन बाज को भोजन मिल भी गया। आज तो बड़ी जल्दी भोजन का इंतजाम हो गया, टुक टुक चिड़िया को भूख भी लगी होगी, जल्दी लेकर चलता हूँ, नहीं तो बेचारा भूख से ही मर जाएगा। इसके बाद चुनचुन बाज भोजन लेकर आ जाता है। अरे वाह चुनचुन भैया, आज बड़ी जल्दी भोजन का इंतजाम कर लाए। हाँ टुक टुक, आज जल्दी मिल गया तो जल्दी आ गया। अरे अब बात ही करते रहोगे या खाओगे भी? इसके बाद टुक टुक चीकू और चुनचुन तीनों मिलकर भोजन करने लगते हैं। अगली सुबह चुनचुन फिर खाने की तलाश में निकलता है और कुछ समय ढूंढने के बाद उसे भोजन मिल जाता है। जैसे ही चुनचुन भोजन लेकर निकलने वाला होता है, मोहिनी कौवी चुनचुन के पास आती है। बाज भैया, क्या मैं आपके इस भोजन में से थोड़ा सा भोजन ले सकती हूँ? मैं और मेरे पति कालू कौवा जी यहाँ नए आए हैं, हमें रास्तों का तनिक भी ज्ञान नहीं है। हाँ हाँ ले लो, जितना मन चाहे ले लो। बाज भैया आप कहाँ रहते हैं? मैं और मेरे दो दोस्त मिलकर साथ रहते हैं, हम तीनों का काम बटा हुआ है और नदी के पास ही रहते हैं। हम भी वहीं रहते हैं, हमने अभी तक कोई घर नहीं बनाया है। इसके बाद चुनचुन भोजन लेकर चला जाता है। इधर मोहिनी कौवी पप्पू के पास आती है। रात का समय हो गया था। आज तो बहुत देर हो गई मोहिनी। हाँ कौवा जी, मुझे आज चुनचुन बाज मिला था, वो अपने दोस्तों के साथ रहता है और चुनचुन ही खाने का इंतजाम किया करता है। अगर हम तीनों में लड़ाई करा दें तो चुनचुन हमारा दोस्त बन जाएगा और हमारे लिए खाने का इंतजाम किया करेगा, कैसा है मेरा विचार? विचार तो बहुत ही अच्छा है कालू कौवा जी, हम कल चुनचुन के कान भरेंगे, फिर तो चुनचुन हमारा दोस्त बन जाएगा। इधर चुनचुन बाज टुक टुक चिड़िया और चीकू चिड़िया को भी मोहिनी कवि के बारे में बता देता है। सुबह हो जाती है, चुनचुन रोज की तरह भोजन की तलाश में निकल पड़ता है। उसने आज भोजन में फल लिए थे। चुनचुन तुमको तो बहुत काम पड़ जाता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम तीनों में काम बटा हुआ है, सब अपना अपना काम करते हैं। हाँ पर सबसे मुश्किल काम तो तुमको दिया हुआ है ना, भोजन ढूंढना इतना आसान काम थोड़ी है, और तुम्हारे दोस्त बैठे बैठे खाते हैं बस। मैं तो कहता हूँ तुम उनका साथ छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ, हम तीनों साथ रहेंगे और तीनों बारी बारी भोजन का इंतजाम किया करेंगे। मुझे सोच कर बताना चुनचुन बाज। इतना कहकर मोहिनी कौवी और पप्पू कौवा वहां से चल देते हैं। बात तो ठीक कह रहे थे दोनों, मैं आज उनके लिए सूखा भोजन ही लेकर जाऊंगा, ये फल मैं खा लेता हूँ। चुनचुन फल खाकर उनके लिए सूखा भोजन लेकर आ जाता है। बाज भैया आज तो हमारे फल खाने का दिन है, आप ये सूखा भोजन ले आए गलती से। जो है खा लो, नहीं तो अपने लिए खुद भोजन ढूंढ लो। क्या बात है भैया, आज आपकी आंखें कुछ और ही कह रही हैं। मैं रोज तुम लोगों के लिए खाने का इंतजाम नहीं कर सकता, कल से सब बारी बारी भोजन का इंतजाम करने जाएंगे और बारी बारी घर का काम किया करेंगे। पर हम दोनों ने जंगल का रास्ता ठीक से नहीं देखा भैया,
हम दोनों में से कोई भी गया तो खो जाएगा। वो सब मैं नहीं जानता, पर अब से ऐसा ही होगा। रात हो गई थी, आज तो बहुत शांति है उनके घर में, कोई आवाज नहीं आ रही। लगता है हमारा षड्यंत्र काम कर रहा है, नहीं तो रोज तीनों हंस हंस के बात किया करते थे। हाँ मोहिनी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगली सुबह, आज टुक टुक जाएगा भोजन लाने। चंचन भैया, टुक टुक रास्ता भूल जाएगा, आप ही चले जाइए ना प्लीज। मैंने तुम दोनों को खिलाने का कोई ठेका नहीं ले रखा है, अगर खाना खाना है तो बाहर जाना ही पड़ेगा। चीकू भाई, तुम चिंता मत करो, मैं ही चला जाता हूँ। टुकटुक भोजन की तलाश में निकल जाता है। टुकटुक भोजन की तलाश करते करते बहुत आगे निकल जाता है और रास्ता भूल जाता है। मैं रास्ता भूल गया, अब कैसे घर जाऊंगा। टुकटुक वहीं बैठकर रोता रहता है। शाम हो चुकी थी। बाज भैया, टुकटुक अभी तक नहीं आया, वो शायद रास्ता भूल गया है। मैंने कहा था आपसे, पर आप नहीं माने। अगर उसे कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। चलो चलो चीकू, उसे ढूंढते हैं। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। दोनों टुकटुक को ढूंढने निकल जाते हैं और दो तीन घंटे बाद टुकटुक उन्हें मिल जाता है। दोनों को देखकर टुकटुक बहुत खुश होता है। दोस्तों, तुम आ गए, मैं बहुत डर गया था। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं उन कौवा कौवी की बातों में आ गया था और तुम लोगों से गद्दारी करने का मन ख्याल में आ गया। उन्होंने मेरे कान भर दिए थे, पर अब मैं हमेशा साथ ही रहूंगा तुम्हारे। इसके बाद से चुनचुनबाज सारा भोजन जंगल का लेकर आ जाता था। कौवा कौवी को भोजन न मिलने की वजह से वो दोनों जंगल छोड़कर भाग गए। दोस्ती में कभी गद्दारी नहीं करनी चाहिए, यही आज की हमारी कहानी की सीख है दोस्तों।